हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। मेरठ में पुलिस के नाम पर व्यापारियों से हफ्ता वसूली करने वाला जाली दरोगा पकड़ा गया है। एक व्यापारी से 20,000 रुपए नकदी लेते हुए उसका एक वीडियो पुलिस को मिला है। उसके पास से यूपी पुलिस के दरोगा की वर्दी, स्टार शूज व बेल्ट भी बरामद की गई है। एसएसपी को शिकायत मिली थी कि मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में जयकरण नाम का एक दरोगा लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, जिसके बाद लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर ने जांच की तो पता चला कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में दरोगा जाता है और अवैध वसूली करता है। पुलिस के पास एक दुकानदार से 20,000 रुपए की वीडियो भी पेच पुलिस के पास एक दुकानदार से 20,000 रुपए लेते हुए वीडियो सामने आई है, जिसमें जयकरण एक युवक से हफ्ता वसूली के 20,000 रुपए ले रहा है। पैसे देने वाला युवक गिनकर 500 के नोट दे रहा है, तभी ये जयकरण बोलता है कि पैसे कम नहीं होते, गिनकर नहीं देने चाहिए। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जयकरण पुत्र जगवीर निवासी गांव सरूरपुर जिला मेरठ का रहने वाला है, जिसकी 45 साल उम्र है और 10वीं पास है। ये पीआरडी का जवान है, जिसकी होमगार्ड की तरह अलग अलग थानों में ड्यूटी लगती है, लेकिन थाने में दरोगा की वर्दी तैयार कराकर खुद भी दरोगा बनकर शहर क्षेत्र के लिसाड़ी गेट इलाके में अवैध वसूली करने लगा है। सीओ ने बताया कि जयकरण पिलोखड़ी क्षेत्र में स्कॉर्पियो से वसूली करने पहुंचा। वहीं पुलिस अब आरोपी जयकरण से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।